BB. सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, लवली पीपल, गुड मॉर्निंग। गाइस, आज हमारा लास्ट डे है दुबई में। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मन नहीं कर रहा एक्चुअल में जाना, नर्वस। ये लोग तो बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो मन नहीं कर रहा। अरे जितने दिन का हमारा था उतना दिन रहे ना, कि दो तीन दिन, चार दिन, पांच दिन रह के जा रहे हैं। 15 दिन रहे हैं हम लोग, बहुत होते हैं। चलो अभी मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐश नहीं की थी ना, बोलो कुछ। बहुत मजा आया, लेकिन मैं ऐसा मन करता है कहीं जाओ ना, फुल एंजॉय करके वहीं रह जाओ। एंजॉय करके वहीं रह जाओ। वो लगा लो बाकी है दिमाग में। सब भाग जा रहे थे यहाँ से। मैं कल का ही सोच रही, पहले वहाँ पे गए, अभी ध्यान ना गए। यार तू साड़ी पहन के देखा कभी? यार तो साड़ी पहन के कोई नया देखा? साड़ी तो छोड़ो, बनारसी साड़ी। इतनी भारी भारी वो तो बहुत हैवी सीखता हो। जो कोई नहीं करता। फिर बाद में बोले गर्मी लग रही है, उतार दो ना, फोटो ले लो ना, जल्दी जल्दी उतारने का है, फोटो ले लो ना। Thank you, sir. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. गाइज, हम लोग रेडी हो गए हैं अभी निकलने के लिए। और मैंने ये वाले ट्रैक पैंट्स, मैंने नैन्सी ने और मैंने सेम लिया। अच्छा, हरप्रीत और मैंने लिए थे। मैं अच्छा लग रहा है कि दुबई अच्छा लग रहा है? ये देख लो हमारा लोकेशन, मैं खुद भी देख रही हूँ अभी यहाँ से पूरा ही व्यू। पे हम कर रहे हैं चेक आउट। ये दोनों आ गए हैं चेकआउट करके, पूरा बिलिंग वगैरह अपना सारा क्लियर करके। इतना सोचा पता है हमने, वक्त ठहर जा ठहर जा ठहर जा, बट हमारा वक्त जो है दुबई में ठहरा नहीं, बल्कि दौड़ता रहा है ना। हम लोग उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, इंजॉय करते थे, आराम से रेडी होते थे, क्योंकि हम लोग पैकेज में नहीं आए थे। हमारा 15 डेज का जो था वीज़ा था, जिसमें हम 13 डेज जो है यहाँ पे रहे हैं। और सीरियसली हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, बहुत ज़्यादा। आज हमारा 14th डे है, लेकिन आज हमारा चेकआउट है। हमारा चेकआउट अभी 1 बजे आफ्टरनून में हो गया है, और हमारे यहाँ जो फ्लाइट है ना वो रात का है। तो हमने सोचा है कि चेकआउट करवा के लगेज तो यही रहेगा, हम लोग जो हमारा पेंडिंग शॉपिंग है गिफ्ट्स एंड ऑल, वो हम अब जाके जो है सारा कुछ करेंगे। तो जाने वाला दिन सैड सैड। एक होता है ना कि कहीं और जाना या कुछ कहाँ, तो हम नेक्स्ट जो है अब तुर्की जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद पेरिस। पेरिस हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। हुरैन कर रही है जो भी कैमरा के सामने कर रही है, इलाके सब डाल दे। चलिए दिखा दो, आप देख ले, आप मुड़ जाओ, हाथ ऊपर करना है, तितली से समान आता है, हाँ अब कर सीधे हो गए।
हम आए हैं अभी देहरा में और यहाँ पे अबाया का होलसेल मार्केट है और देखो दिस डिजाइन तो सारे और गाइस ये पिन जिसको हिटर जाने के लिए दूसरी दुकान ज्यादा है बेटा क्या बैठा नहीं मैं थक जाता हूँ नींद नहीं मिली मेरे को दुख हो रहा है जाने का मेरे को भी मुझे रोना आ रहा है तुम्हें अच्छा लग रहा है कौन तुम मैं हाँ जान नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है यहीं पे रह जाओ बस तो ये जो मार्केट है ना ये देहरा में है और सीरियसली ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पे इतने गजब के इतने ज़बरदस्त अबायाज है लाइक ये अबाया ऐसे हैं कि आपको एक साथ इनर भी मिलता है या फिर अपने आप कॉम्बिनेशन अबाया के साथ भी वेयर कर सकते हैं आगे आगे देखना मुझे ये मार्केट बहुत अच्छा लगा लेकिन मेरे को पसंद नहीं आ रहा है नहीं आ रहा रिलैक्स होना लग रहा है हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इनका वेट करते हैं ऐसा लग रहा है आपको कोई अलविदा करते टाइम बिल्कुल अच्छा लग रहा है यार लग रहा है यहाँ पे रह जाओ हमको दुबई से छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है ये लोग देखो इतने खुश है अपने अपने घर जाने के लिए इनको ऐसा लग रहा है कब पहुँचते घर हमारा मन नहीं है बट ये वेलवेट है ये इंडिया में बहुत गर्म होगा ट्राई करा मैं ये वाला ले मेरा वीडियो ले रहा हूँ स्टार्ट ही है मुझे पता है बोलेगी घर देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज है गाइस मैंने ले लिया बहुत ब्यूटीफुल अबाया गाइज हरप्रीत ने देखो ये वाला लिया इन्हों की कहते मार्को केड़ा कौन सा स्टाइल है भाई ये वाला ये है नाइक मार्केट दुबई का और एसी है पूरे इसमें क्योंकि बाहर है 50 का टेम्परेचर जबरदस्त और बहुत अच्छे कॉस्ट में यहाँ पे शॉपिंग हो सकती है देखो सब शॉपिंग है नैन्सी घूम रही है बंटी भाई घूम रहे हैं मुझे ना ये पसंद है ऊंट के लिए हॉर्स गाइस हम आए हुए हैं देहरा में और यहाँ पे है होलसेल मार्केट अबाया का ज्वेलरी का और बहुत कुछ इत्र परफ्यूम्स तो पूरे दुबई में ही आपको मिल जाएंगे लेकिन माइंड ब्लोइंग है सीरियसली देखिए गाइज हम अल्तमश के लिए कुंदूरा देख रहे हैं अब अल्तमश वाइट कलर का स्कार्फ भी वेयर करेंगे इसमें बहुत कंफर्टेबल बैग है अंदर नंगू भी रह चलता क्या बोली अल्तमश ट्राई कर रहे हैं बोला हबीबी दुबई के शेख होती तुम इंडिया का शेख होती वो बोले ले लेंगे तो रिंग खोल के एग्जिस्ट कर सकते दुबई का शेख होती इसलिए हम आपको ऐसे हैबिट पड़ते हैं लेकिन हम इंडिया का शेख होती आपकी अच्छा अच्छा गाइस हमने बहुत सारा शॉपिंग किया है और हरप्रीत ने देखो पुरैन को अगेन ये वाले बूट्स लगे थे पुरैन और एक ड्रेस बहुत क्यूट है घर जाके
ये वाले बूट सबको पसंद आ गए, इसको पंख लगे हुए तो ये फेरी बूट्स है इसके, और ड्रेसेस भी लिए हमने। हमने आज ट्रेनिंग की है गाइस, आपको दिखाते हैं। हमने आज भी ट्रेनिंग की है, ये देखो अच्छे से देखिए, हमें ध्यान से देखिएगा। ये हम दोनों ने आज सेम पहना है, और हमने एक और ट्राउजर है जो सेम लिए हैं दोनों ने, यस वो भी हम जल्दी पहनेंगे। गाइस ये लोग बहुत मटकू है, गाइस ये लोग बहुत मटकू है। हाँ हम लोग मटकू है महाराष्ट्र। तो गाइस सो फार डैडी शॉपिंग कर रहे हैं इधर। एक्चुअली जीन्स के ऐसे सेट है पूरे, टी शर्ट एंड ट्राउजर वाले बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो ये लोग बहुत शॉप कर रहे हैं। और हम दोनों ने आगे से ट्राउजर लिए, नैन्सी मैंने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, आओ मैं आपको दिखा दूँ। देहरा में शॉप है अंकल की, देखो ये फैब्रिक इतना ब्यूटीफुल था, तो नैन्सी ने मैंने हम दोनों ने ले लिया, उनको बोले ना। और ये अंकल है गाइस, अभी हमने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया है, देहरा मार्केट बहुत बड़ा है, खत्म नहीं हो रहा है। ये देखो कुरान का जो स्टॉलर है वो सारा शॉपिंग बैग से भर गया है, वो जो ट्रैवलिंग बैग लिया इवन उससे भी। गाइज हमारी आदत होती है ना कि हम लोग पूरा मार्केट घूम लेते हैं, फिर हमको वो चीज़ पसंद आती है तो हम दोबारा लौट के वही जाते हैं, तो ये वाला फर्स्ट वाला शॉप है, इस वाले अभाया पे भी मेरा दिल अटका हुआ था। मैं आपको यहाँ आकर दिखाऊंगी कि किस तरीके कॉम्बिनेशन वाइज हम इसे वेयर कर सकते हैं। तो लकी ने मुझे कहा कि जाने से पहले कि यार तुम ले लो, अदरवाइज तुम मुझे तंग करती रहोगी। गाइज हम लोग है ऐसे क्या दिख रहा अपन, गाइज हम लोग बहुत गड़बड़ से निकले हैं अभी होटल से, सारा लगेज देखो हमारा पीछे है, और हमें आज एयरपोर्ट जाने के लिए दो टैक्सी लेनी पड़ी है, क्योंकि जो बड़ी वैन होती है उसमें हमारा जो लगेज था वो नहीं आया, और बहुत गड़बड़ से अभी हम लोग निकले हैं। लेकिन आज हमने बहुत सारा जो शॉपिंग है वो डन कर दिया है, बहुत सारा नहीं तकरीबन है ना, ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। सो बस अभी जो है हम लोग कैसे भी करके बस पहुँचे एक बार, एंड प्यार देना हमारे दुबई व्लॉग्स को। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट इंडिया पहुंच के, व्लॉग करेंगे देखते हैं कुछ अच्छा हुआ तो करेंगे। एंड गाइज इससे पहले जो था हमें दुबई पुलिस ने रुकवा दिया, मतलब ये समझ लो उन्होंने पूरा पूरा स्टैंप कर दिया था कि आप इसके बिना जो है नहीं जा सकते, हमारा पूरा पूरा कैंसिल स्टैंप हो गया था। बहुत मेहनतें मुश्किलें जो रिक्वेस्ट होती है सब कर ली, लेकिन उन्होंने हमको एक रास्ता भी बताया कि आप ये कर सकते हो, लेकिन हमारा फ्लाइट रात में 1 बजे का था, हम इंडिया में भी कुछ कर ही नहीं सकते कि इंडिया के रात के 3 बज रहे थे। लेकिन लकी ने पूरे कॉन्टेक्ट्स लगा दिए, और रात में जो थी वो रिपोर्ट्स तुरंत मंगवाई, और सारा कुछ करने के बाद जो था एक लेटर था वो भी मंगवाया, वो सारा कुछ जमा करवाने के बाद जो है फाइनली उन्होंने हमें जो था फटाफट हमारा बोर्डिंग किया। पूरा जो एयरपोर्ट का स्टाफ था इतना कोऑपरेटिव था, सीरियसली सब ने हमारी बहुत बहुत हेल्प करी, और वो सब जो फॉर्मेलिटी होती है वो सब करने के बाद जो फ़्लाइट थी, देखो हम अब मेट्रो से जा रहे हैं लेकिन फ़्लाइट सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रुकी हुई थी, उसके बाद हम बैठे और सीरियसली मतलब मैं बता नहीं सकती यार, मतलब यहाँ पर जब हम आ गए ना ये हमारा रिलैक्स वाला टाइम था, अदरवाइज ये समझ लो हम आ ही नहीं सकते थे, हमारा फुल कैंसिल था। गाइस हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं एयरपोर्ट पे आने के बाद, मैं बता नहीं सकती, ये समझ लो कि हम लोग बहुत स्ट्रगल करने के बाद अब यहाँ आके बैठे हैं। खुशी हो रही है मेरे, तो एक शैतान मिल गया था आज हमें। गाइस बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं, और ये गाड़ी में रख रहे हैं सामान, वो पीछे है बंटी विरे की गाड़ी, उसमें भी सामान रख रहे हैं, और हुरैन को फीवर आ गया है, तो बस ये समझ लो कि पहुंचते पहुंचते हुरैन को ज़ुकाम और फीवर हो गया है, दोनों को अल्तमश को भी, मतलब हुरैन इतनी ज़्यादा देखो सीरियस थी, उसका फेस देखो, उसको फीवर भी था उसको ज़ुकाम भी था, मतलब इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए ना हम लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हुरैन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दिन बहुत भारी था। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, पहले सबसे पहले इसकी जो दवाइयाँ हैं वो लेती हूँ, उसको वो देती हूँ, देख इसकी आँख।